अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मैं जीत ठाकुर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंग्स पिजन में। और ये है रिजवान भाई के पास जो पंजाबी कबूतर है उनका सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने जो लाइक किया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और ऐसे ही आपके भाई को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके वीडियो शेयर करने से जो न्यू कमर्स है उनको भी शायद कुछ अच्छी चीजें मिल जाए देखने के लिए। और मेरा मकसद यही है कि न्यू कमर्स जितने भी आ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो ये है एक और ब्रीडिंग वाला पेयर, ये है मादी और ये है नर। मादी की साइज बड़ी है और नर की साइज छोटी है, ऐसा क्यों रिजवान भाई? एक्चुअली ये अलग अलग नस्लों में थे। ये अलग अलग नस्लों में, नर जो है अलग नस्लों में थे। अच्छा, है तो लाल चित्रों में। हाँ, उनका ब्लड लाइन अलग है। तो ये आप जोड़ लगाने से जो बच्चे निकलेंगे वो मादी पे आएंगे पूरे या नर पे आएंगे? मादी पे आएंगे। तो सबसे पहले आपको मादी पे बच्चे आने वाले, तो मादी की आंख देख लीजिए आप साहिबान। और ये कलर के पंजाबी व्हाइट आंख में पंजाबी कबूतर रियर होते हैं थोड़े। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली बदली आई हुई है अभी, तो आंख इतनी क्लियर धूप पे जो आंख दिखती है वो बदली में नहीं दिखती एक्चुअली। ये देखिए आंख फटी हुई पुतली का कबूतर है थोड़ा। सारे कबूतर कैच है तो मैं आपको सिर्फ पंजे दिखा देता हूँ। ये है मादी, मादी का साइज बहुत बड़ा है। ये है अहमदनगर की जो ग्रीन कबूतर जिससे अहमदनगर फेमस है एक्चुअली, ये वो कबूतर है कोयल। ये है कोयल, इनका जो कलर है ब्लैक कलर है लेकिन ओरिजिनल अगर इनको देखा जाए तो ये ग्रीन कलर में काउंट होंगे एक्चुअली। और ये कबूतर की खास बात ये है कि ये कबूतर छतरी पे आने से, जैसे छतरी पे आते हैं कबूतर तो हवा में 5 से 10 मिनट पैर पहले चलाते हैं अपने, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं वैसे। इसके लिए इनको पैर कुछ नस्ल भी बोलते हैं। बिल्कुल छतरी पे आएंगे और 5 मिनट तक बस पैर चलाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे और ये गुलाटी भी मार देंगे। और गुलाटी भी मार दे, टम्बलर से एक्चुअली ये कबूतर। और ये है अहमदनगर की प्रॉपर नस्ल। तो सबसे पहले मैं आपको नर की आंख दिखा देता हूँ। ये भी बहुत पुरानी नस्ल दिख रही है मुझे। रिजवान भाई कितने साल पुरानी नस्ल है ये? अभी ये कम से कम 6 साल का नर। 6 साल का नर। और ये नगर में ये ग्रीन आया, ग्रीन जो कबूतर है ये कितने सालों से, मतलब यहाँ ये ग्रीन कबूतर यहाँ के बहुत फेमस है। और इनमें टाइमिंग कितनी होती है उड़ान की? अभी ये नर कम से कम 6-6.5 घंटा उड़ा है। 6-6.5 घंटा उड़ा है। और खतरी है ये कबूतर भी। और देखिए जैसी चोच वैसे इसके पंजे भी। ये उसकी मादी, ये देखिए पहले रेड कलर का एक पट्टा है, उसके बाद व्हाइट कलर का एक ये सर्कल है, उसके बाद ब्लैक कलर की पुतली है। जितनी पुतली बारीक करता है कबूतर उतना कबूतर अच्छा होता है। और वो सारी डिपेंड करता है ब्लड लाइंस के ऊपर। और भाई ये है आज का आखिरी मद्रासी जोड़ा है जो, और वो भी दिखा देता हूँ। और ये मद्रासी हाई फ्लायर है। हाँ, मद्रासी में भी हाई फ्लायर्स होते हैं। मतलब इनकी फ्लाइंग कैसे होती है? बंद हो जाते हैं ये? बंद होते हैं लेकिन तुरंत खुल जाते हैं, घंटे डेढ़ घंटे में खुल जाते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले तो मादी मुझे बहुत डेंजर लग रही है, मादी की मैं आग दिखा देता हूँ। ये है देखिए भाई खूंखार, क्या बात है। ये देखिए क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और ये कहाँ से लाए हुए हैं आपने रिजवान भाई? मैंने ये कराड़ से लाया। कराड़, सांगली सातारा वो साइड से? इम्तियाज भाई। इम्तियाज भाई कराड़ वाले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये है उसका नर। एक्चुअली साइज बहुत बड़ी है कबूतरों की, कोई भी बोलेगा गोले हैं लेकिन ये प्योर मद्रासी ब्रीड ही है। और मद्रासी एक्चुअली इनका नाम है कबूतर जो साउथ में गुंटूर के भी होते हैं और तमिलनाडु के भी है, आंध्र प्रदेश के भी है, सब तरफ के कबूतर अलग अलग होते हैं। और ये पंजे थोड़े खराब हो गए। तो भाइयों ये है हमारे, और ग्रुप आ जाइए भाई हमारा, एक बार सारे ग्रुप को बुलाते हैं हम लोग यहाँ पे, सब फ्रेंड्स ग्रुप है हमारा। और उन सभी भाइयों से आपको बुला मिला देते हैं, ये सारे हमारे दोस्त हैं भाई, सलाम कर दीजिए एक बार हमारे सारे और भाई। सब लोग मिलके शौक करते हैं और ऐसे ही सब लोग मिलके शौक कीजिए। और भाई आप कितने साल से शौक कर रहे हैं? 10-12 साल से कर रहे हैं शौक। और कौन से कबूतर है आपके पास? पंजाब वाली है। यहाँ पे अहमदनगर में एक्चुअली जैसे औरंगाबाद में गिरेबाज कबूतर धीरे धीरे खत्म होकर वहाँ पे मद्रासियों का ट्रेंड आया, वैसे नगर में भी शायद मेरे हिसाब से गिरेबाजों को थोड़ा सरका के
पंजाबी कबूतरों का ट्रेंड आया है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देसी कबूतर खत्म होते जा रहे हैं, उनका रीजन क्या है आप बता पाएंगे? एक्चुअली जो पंजाबी कबूतर का जो टाइम यहाँ पर है काफी बढ़िया है, 3-4 बजे का पड़ जाते हैं। देसी कबूतर होते हैं वो 1-1.5 बजे 2 बजे से ज्यादा नहीं उड़ते। देसी कबूतर 1-1.5-2 बजे से ज्यादा नहीं उड़ते हैं। दूसरी बात, हम लोगों को टूर्नामेंट खेलनी होती है वो इस हिसाब से हम लोग पंजाबी भी करते हैं। बाज बेरी का मार काफी है यहाँ पर, हमको बराबर वक्त कबूतर उड़ाना पड़ता है। ओके, टूर्नामेंट से 1-1.5 महीना पहले कबूतर निकालते हैं, उससे पहले कोई कबूतर नहीं। ओके, तो भाई बाज भेरियों का वार भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और जो भाई वीडियो बना रहे हैं उनका भी चेहरा दिखना बहुत जरूरी है भाई। अरे नहीं, नहीं। अरे एक मिनट भाई, सलाम कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम बता दीजिए। अरबाज कादरी। अरबाज कादरी साहब जो हमारे वीडियो बना रहे थे अभी तक, और ये है हमारा सारा ग्रुप, और सभी भाइयों को सलाम मेरी तरफ से। और एक बार ये देखिए यहाँ पे जो कबूतर है, सब आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे मद्रास, ये पंजाबी ब्रीड है, सॉरी क्या बात है, उनके वजूद देखिए आप, खड़े रहने की स्टाइल देखिए, कबूतर के खड़े रहने की स्टाइल देखिए आप, बिल्कुल जो पंख है बिल्कुल टिके हुए हैं जमीन को, पूंछ जो टिकी हुई है पूरी कबूतरों की जमीन। और भाई बिल्कुल भी कमेंट्स में ये मत डालिएगा कि कबूतर बेचना है, बिल्कुल नहीं बेचना है भाई, मई में मिलेंगे कबूतर जब आपको फोन कीजिए। तो भाई कैसे लगे आपको हमारे रिजवान भाई और शान भाई के कबूतर जरूर बताइएगा आपके कमेंट्स में। और मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर, और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से कबूतरबाजी कीजिए, और जैसे सब भाई लोग जो मिले हुए हैं सब एक दूसरे से, ऐसे ही सब मिल के काम कीजिए, मिल के जो मिलने में और मिल के जो काम करने में वो जो एक आदमी की जो ताकत रहती है वो इतनी नहीं लग पाती जो 10 लोग मिल के करते हैं। अगर आप मिल के शौक करेंगे तो बहुत अच्छा शौक होगा, बस यही हर वीडियो में मेरा मैसेज रहता है सभी को, जितना हो सके मिल के शौक कीजिए, अच्छा कीजिए। तो इजाजत लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।